नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं यहाँ पर पारिजात चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसानों की तरफ से 25 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बाजार खुले हैं। तो किसान उनको जाकर समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान बंद कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है व्यापारी उनसे लड़ाई करने लग चुके हैं कि हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे किसान नेता जो है, पुलिस बल तैनात हो चुका है यहाँ पर। पारिजात चौक की ये बात है। हमारा चलान 500 रुपए का करते थे, 1000 रुपए का चलान करते थे, इनको मास्क के लिए क्यों नहीं रोकते? हमारी दुकान के अंदर क्यों घुसते हैं लोग? मैं घनश्याम गोयल, प्रेसिडेंट हूँ इस रोड का, और ये लोग जबरदस्ती हमारी दुकान बंद करवा रही है। क्या मतलब इनके पास, क्या हमारी दुकान बंद करवाने का? दुकान के अंदर नारा लगाने का क्या मतलब इनका? हमारा व्यापार मंडल जो हमें कहेगा हम वो करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। दुकानदारों को तंग करने का क्या मतलब है? किसान जो है यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं मालूम किसानों की क्या प्रॉब्लम है, वो सरकार से बात करे। अगर किसानों को प्रॉब्लम है, सरकार को प्रॉब्लम है, हम इनको साथ देने को तैयार है, लेकिन वो चौक पर बैठे हमारे दुकान के आगे नारे लगाने का क्या मतलब है? क्यों, किस लिए दुकान को टारगेट बना रखे हैं? क्यों बंद करवाएंगे दुकान ये? हाँ जी बोलिएगा। क्या सर, क्या प्रॉब्लम, क्या हो रही? प्रॉब्लम ये है कि ये खाम खा के परेशान कर रहे हैं, एक ही दुकान को आगे टारगेट बना रखा है। ये चौक पे बैठे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है चौक पे बैठे, हम इनके साथ हैं। लेकिन जब किसानों का मुद्दा चल रहा था अनाज मंडी के अंदर, तब व्यापारी भी इनको समर्थन दे रहे थे। समर्थन दे रहे थे तो वो अनाज मंडी वाले दे रहे थे ना। हमारे व्यापार मंडल वाले अगर हमें कहेंगे आपको बंद करना है तो हम करेंगे। हमारी यूनियन है, हमारी एसोसिएशन है, इंडिया लेवल पर है, हरियाणा लेवल पर है, हिसार लेवल पर है, हमारे सारे साथ। अगर हमारे वो कहेंगे तो हम बंद करने को तैयार हैं, अगर वो सही है तो। गलत के खिलाफ हम फिर भी नहीं करेंगे, चाहे वो व्यापारी मंडल कोई भी हो। हमारे क्यों दुकान बंद करवा रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा किसी का? अच्छा, आज इसका मतलब ये है कि आप लोग किसान के साथ तो है, लेकिन अब आप लोग यहाँ पर दुकान बंद नहीं करना चाहते? हम सच्चाई के साथ है, गलत के साथ नहीं है। अगर किसान सही है तो हम उनके साथ है, लेकिन अगर ये किसान नहीं लग रहे। किसान जो होते हैं वो खेतों में है। ये सारे पॉलिटिकल के पकाए हुए लोग हैं, और जिस किसी भी कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लोग हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्यापारियों को तंग करना बिल्कुल गलत है, और हम इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करेंगे अगर दोबारा हमारे पास आए तो। यानी कि अगर मार्केट एसोसिएशन का आदेश होगा तो ही आप लोग दुकानें बंद करेंगे? किसानों के कहने से आप कोई दुकान बंद नहीं करने वाले हैं? जब ये लोग इकट्ठे हो गए हैं तो हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? हम भी तो इकट्ठे हैं व्यापारी, कैसे करवा देंगे बंद? ये जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे किसी की दुकान में आगे आगे अंदर घुस के नारे लगाने का क्या मतलब? इनका कोई, हम इनके कोई बहस खोल रहे क्या मतलब इनका? यानी कि आपका कहना है ये लोग किसान नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं? ये जिस हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं ये किसान नहीं हो सकते। सर आपका क्या कहना है? यही कहना है, यही है जो उन्होंने कही है। ये किसान तो किसान है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं? हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा भी हो, और हो सकता है किसान नहीं दिखाई दे रहे किसी भी तरफ से। किसकी दुकान के अंदर घुसे थे? अगर आपको मार्केट बंद करवानी है ना, तो हमारे पहले एसोसिएशन से मिलो, प्रधान से मिलो, वो जो फैसला करेंगे। 10 दिन बंद करनी है, 15 दिन बंद करनी है, हम बंद करने को तैयार है। एक दुकान ये तो मतलब दुकान के अंदर आगे हमें धमकी देंगे, ऐसा रस्ते में रोक लेंगे हमें। वो चले गए, अब इनके चले गए। मैंने प्रोटेस्ट किया, मैं इस रोड का प्रेसिडेंट हूँ, घनश्याम गोयल मेरा नाम है। तो वो कहते हैं कि अभी क्यों नहीं बंद करोगे, क्या आप हमारे साथ नहीं हो? मैंने कहा हम अच्छाई के साथ है, सही के साथ है। अगर हमारी यूनियन हमें कहेगी बंद करने के लिए तो हम करेंगे, वरना क्यों करेंगे? एक साथ थोड़ी आप बाजार में घूमोगे और हमारी दुकानें बंद करवा दोगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, और कभी नहीं करेंगे, किसी के कहने पर नहीं करेंगे, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। यहाँ पर पुलिस बल तैनात था, जब आप लोगों ने पुलिस बल इनके साथ था, इनके साथ घूम रहा था ना। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ, मैंने भी नहीं पहना हुआ, लगा रखा है ये पहन लेता हूँ ना। तो इन लोगों ने जो है ना मास्क पहना हुआ ना कोई, और जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप किसान की बगावत कर रहे हैं। हम किसानों की कोई बगावत नहीं कर रहे, हमारे अन्नदाता हैं वो, लेकिन इसमें किसान कोई नहीं, सारे पॉलिटिकल लोग। तो ये आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को लाइव नज़ारा दिखाया पारिजात चौक का, हिसार का। यहाँ पर कुछ लोग जो है आकर इनकी शॉप के अंदर दुकानें बंद करवा रहे थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो लोग किसान नहीं थे, राजनीतिक जो एजेंडा चला रहे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे जो यहाँ पर किसानों की आड़ में बाजार बंद करवाने पर तुले हुए थे। यहाँ पर जो किसान है वो सीधा का सीधा जो किसान कहा जा रहा है, लेकिन
पॉलिटिकल के बंदे, वो लोग दुकान के अंदर गए और वहाँ पर नारे लगाने लगे। यहाँ पर जो इनका हेड है वो आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप लोग इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। अगर इनकी मार्केट एसोसिएशन का आदेश होगा मार्केट बंद करने का, तभी ये लोग खड़ेंगे। ये लोग सच के साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार है ये लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। पुलिस बल यहाँ पर तैनात था, पुलिस ने उन लोगों को हटाने का काम किया। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि बाजार बंद होते या नहीं होते। किसान जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं भारत बंद करने का, लेकिन यहाँ पर अगर मैं परिजा चौक की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी दुकान मुझे बंद नजर नहीं आ रही। न जाने इन लोगों का समर्थन जो है किसान के साथ है या नहीं है। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।